जवाई मारते हैं और लड़का मारता है, लड़के ने बार बार के तोड़ रखा है। जैसे मैंने इसको जूडो कराटे सिखाया, वही मेरे पे एक्शन करता है, वही घूसे मारता है, गला दबाता है, लाते घूसे मारता है। बड़ा जवाई कहता है 1,00,000 रुपये दे दे तो लड़की को तलाक दे दूंगा। फिर कहता 10,000 दे दे तेरे मार मार के तोड़ दूंगा, नहीं तो क्या बाहर सड़क पे चप्पलें मारी है मेरे को। क्यों मारी बहू ने चप्पलें? अरे बस पैसे मांगने हैं उसे, और इल्जाम लगाते 3-3, 4-4 बार। लड़का कहता है जब तू मरेगा तेरे अर्थी पे कंधा नहीं दूंगा, तेरे मुँह में गंगा जल नहीं डालूंगा। मैंने अपनी फोटो लगा दी है हार पे। बच्चे आर्थिक मदद भी नहीं करते थे? कोई नहीं मदद, कुछ नहीं, 1 गिलास चाय नहीं, 1 गिलास यहाँ से उठ के पानी पिलाते हैं। मैं उठ के बता दवाई भी लेने अकेले जाता हूँ। एक बाप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई जो है अपने बच्चों पर न्योछावर कर देता है, ये सोच कर कि वही बच्चे जो है उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लेकिन क्या हो कि वही कलयुगी बच्चे जो है अपने ही पिता की पिटाई करने लग जाए, उन्हीं के साथ दुर्व्यवहार करने लग जाए। अभी उन्हीं कलयुगी के पिता जो है मेरे साथ मौजूद है, चलिए इनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम विजय कुमार सराब लेट पृथ्वीराज। सर आप अकेले रहते हैं? अकेले रह रहा हूँ 13-14 साल से अकेले रहता हूँ जी। आपकी पत्नी? उसकी डेथ हो गई है 2011 में रात को 12 बजे। कितने बच्चे थे आपके? 2 लड़की है 1 लड़का है। जवाई मारते हैं और लड़का मारता है, लड़के ने बार बार के तोड़ रखा है। जैसे मैंने इसको जूडो कराटे सिखाया, शिमला भेजा है इसको, नैनीताल भेजा, सब जगह भेजा है, वही मेरे पे एक्शन करता है, वही घूसे मारता है, गला दबाता है, लाते घूसे मारता है। ये मार मार के तोड़ रखा है, मैं थोड़ा पैदल नहीं चल सकता हूँ। ये हालत आपके आपके बच्चों की वजह से? ये बच्चों ने बार बार तोड़ा। मैंने 45 साल बस चलाई है, 20 साल बस चलाई है, हरिनगर डिपो थर्ड में मेरा नाम है विजय कुमार के नाम से, 851-855। काफ़ी साल मैंने बस चलाई है, पंजाबी बाग से दफ्तर 900 नंबर 2710 बस चलाई है, और 817 बहुत साल चलाई है। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं जी। तो बेटियां भी हैं? कोई नहीं पूछता, बेटी भी नहीं पूछती। कितनी बेटियां? 2 बेटी हैं, एक पढ़ने रहती है, वो कभी नहीं पूछती है, ना घर में आई जब से माँ मरी है, आती नहीं है। जिस घर में मौत हो जाएगी वो लड़की इस घर में घुसती नहीं है। तो मतलब क्या ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं बच्चे आपके साथ? वो कहते हैं पैसे, बड़ा जवाई कहता है 1,00,000 रुपये दे दे तो लड़की को तलाक दे दूंगा। फिर कहते 10,000 दे दे तो मार मार के तोड़ दूंगा, नहीं तो पैसे दे दो। पैसे नहीं देते पैसों को ले? हाँ जी पैसे मांगते हैं। लड़के से मैंने 7,000 लेने, बहू से लेने, बहू ने 5 जनवरी 2021 को यहाँ बाहर सड़क पे चप्पलें मारी है मेरे को। क्यों मारी बहू ने चप्पलें? अरे बस पैसे मांगने हैं उसे, और इल्जाम लगाते 3-3, 4-4 बार। अभी 8 अप्रैल 2024 को मेरे थाने गई है, मेरे पे बुरी नहीं रखता भैया, इल्जाम है बुरी नहीं रखता, रखता बुरी नहीं रखता है। 2012 झूठा इल्जाम लगाया आप पर? इल्जाम लगाता है, पंचायत बैठी थी 2023 9 महीने में, जब भी झूठा इल्जाम लगाया मैंने, DMA कोर्ट में केस लगा रखा है ये। अभी आपका गुजर बसर कैसे हो रहा है, क्योंकि आप तो इस घर में अकेले रह रहे हैं? बुद्ध आश्रम से रोटी खा रहा हूँ जी। बच्चे होने के बजाय, मतलब बच्चे हैं आपके फिर भी आपको बाहर से आश्रम में खाना खाना? आश्रम में खा रहा हूँ जी, अम्बेडकर भवन है ये, टेकोरा D260A, अम्बेडकर भवन है इधर रघवी नगर में, टेकोरा देवी नंदन टेकोरा में, वहाँ पर रोटी खा रहा हूँ ये। अभी लेके आए दोपहर को रोटी, वहाँ जाता हूँ मैं दोपहर को, जब पैदल जाया जाता 10 बजे जाने के देता हूँ, रिक्शे वाले 10 बजे आने देता हूँ मैं। तो अभी आप अपना, आप कह रहे हैं कि आपकी जो हालत है आपके बच्चों के कारण हुई है, अभी आप अपनी मेडिसिन वगैरह दवाइयों का कैसे देख रहे हैं आप? मैं 10 साल से हार्ट की तकलीफ है जी मेरे को, हार्ट का इलाज चल रहा, पहले गुरु गोविंद में चला, उसके बाद पंत में चला गया, पंत में मैं जाया नहीं जाता था, फिर मैं गुरु गोविंद में गया, उन्होंने मेरे को यहाँ छोटे दीनदयाल लेकर दिया सुपर हॉस्पिटल पर, मेरे पास कागज है सारे हैं। तो बच्चे क्या आपकी हालत के मतलब बारे में पूछते भी नहीं है, आपका देखते भी नहीं कि खाना पीना कैसे चल रहा है आपका? कुछ नहीं देखते जी, मेरे को कहता है, लड़का कहता है जब तू मरेगा तेरे अर्थी पे कंधा नहीं दूंगा, तेरे मुँह में गंगा जल नहीं डालूंगा। मैंने अपनी फोटो लगा दी है हार पे, फोटो चढ़ा दी मैंने पहले से ही अपने फोटो पे हार, जब जब इन्हें 2012 मारा जब भी ये फोटो पे हार चढ़ाया है, इसने कह दिया उंगली करके तू मरेगा ना, तेरे अर्थी पे कंधा नहीं दूंगा, तेरे मुँह में गंगा जल नहीं डालूंगा। इसने अपना बच्चा 3 महीने का बच्चा इसको गोद में लिया, मेरे अपना बच्चा इसने मेरे से छीन लिया, किसी काम में नहीं पूछा, लड़के के बाल हमारे पे उतरते चंडीगढ़, ये अपने आप ही उतार गया, और मैं 10 आदमी को लेके गया था जब इसके बाल उतारने गया था। जब आपके बेटे का बच्चा हुआ तब आपको साथ में लेके भी नहीं गए? नहीं कोई नहीं, ना माँ को पूछा ना मेरे को पूछा, माँ तक को नहीं पूछा, किसी को नहीं पूछा जब तक माँ जिंदा थी। मेरे गोद में बच्चा पड़ा, बहुत बच्चा छीन लिया मेरी गोद से, छीन लिया आपको, अपने पोते से ही दूर कर दिया। हाँ जी, और मेरे का शुगर BP है, मैं BP को गिर गया, मैंने 13 साल काम बाल लगा रखी थी, अब मैंने हटाई जाके जनवरी फरवरी से, और
मैं बेहोश हो जाता हूँ, मेरा पर्स उठा कर ले आते हैं, पैसे निकाल लेते हैं बस। बच्चे आपके? हाँ जी, लड़का मुझे 2000 रुपये निकाल लिए, जवाई निकाल लिए पैसे, बस यही काम का है बस इनको। आपके बेटे बेटियाँ कुछ काम नहीं करते क्या? कुछ नहीं काम करते। छोटी बेटी काम करती थी, 1800 महीना लेती थी, वो कहती काम वाली हटा दे मैं करूँगा। और जो काम वाली टिकी ना 2-3 साल, उस पर शक करते हैं, अरे यहाँ बैठी है, चापे बैठी है, यहाँ बैठी है, हंस रही है, बोल रही है, बस वो कोई बात होती है हंस पड़ते हैं वो। आप पर शक कर रहे हैं? हाँ जी, शक करते थे, वो हटाते थे। छोटी बेटी कहने लगी मेरी साली आई पाटगंज से, जी इसको हटा, इसको काम वाली को, ये पायल करेगी। पायल 1800 रुपये देता था मैं छोटी बेटी को, 1800 देता था। वो काम वाली 2 टाइम करती थी और मेरी बेटी 1 टाइम करती थी। फिर कहने लगी पापा 1500 दे दे करो, फिर मैं बेटी को 1500 देता था। बच्चे आर्थिक मदद भी नहीं करते थे? कोई नहीं मदद, कुछ नहीं, एक गिलास चाय नहीं, एक गिलास यहाँ से एक उठा के पानी पिलाते हैं। मैं ही उठ के पता जी दवाई भी लेने अकेले जाता हूँ। वहाँ हॉस्पिटल में जाके देखो 2 जने साथ होते हैं, हार्ट के मरीज के साथ 2 जने होते हैं, मैं अकेले जाता हूँ। चक्कर आते हैं, चक्कर खा कर गिर जाता हूँ, बताओ फिर भी जाता हूँ, क्या करूँ। डॉक्टर के पास जाते हैं, खुद ही दवाइयों का आप सब कुछ खुद ही देखते हो? खुद ही लाइन में लगता हूँ, सब कुछ खुद ही करता हूँ। वहाँ पर जाकर देखो 2-3 जने होते हैं हार्ट के मरीज के साथ में, मैं अकेले जाता हूँ, क्या करूँ। पहले मेरे पास पैसे थे, मैं किसी को 200 देता था, किसी को 100 देता था, ले आता था। अब मेरा पैसे नहीं है, अब मैं 2000 पेंशन आती है उसमें मैं गुजारा कर रहा हूँ। 1 टाइम चाय पीता हूँ बस, और पीता नहीं हूँ। 600 रुपये तो रिक्शे के लग जाते हैं, और 200 रुपये फ़ोन के लगते थे, 400 रुपये और उसके लग जाते हैं, क्या नाम है, केबल के बस। अब टीवी ख़राब है, फ्रिज ख़राब है, क्या करें बताऊँ। तो आपके बच्चे कहाँ रहते हैं? लड़की है, एक पाटगंज रहती है, एक किराया नहीं देता था, वो खाली करा लिया, डांगड़ो चली गई है, और लड़का ऊपर रहता है, जब रहता है नीचे आके आपसे पूछता भी नहीं हाल वाल आपका? कोई नहीं, आज तक नहीं पूछा। बहू बस इल्ज़ाम लगाम 2012 में मैं इनको कहा था 7 खाला रोटी, 7 खिला रहा था मैं। 60 रुपये की होटल से रोटी लाता था, तो 4 रात को खाता था, 2 सुबह खाता था, और जब जब मैं कहा 7 और हेलो 7 खिलाया, 110 रुपये रोज़ दे के जाता था बहू को। फिर 2012 में सुबह लड़का चला गया, बहू को लेके गया, मेरे पापा मेरी बहू मेरी औरत पर बुरी नहीं रख रहा है। तो 2 दिन गया, पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पुलिस वाले मेरे घर नहीं आए, मेरे घर नहीं आए। सर कितना मुश्किल है ऐसी ज़िंदगी जीना जहाँ पर बच्चे ही आपके दुश्मन बन गए हैं। बुधा सर हमें जगह नहीं मिल रही कहीं भी, मेरे को निहाल में बात हुआ, उन्होंने मेरा वीडियो बनाया, सब बनाया, वो दो मैं थोड़ा लेट हो गया, मैंने अब मना कर रहे हैं वो रखने के लिए निहाल बिहार में साई बुद्ध आश्रम, अब वो रखते नहीं है। अब यहाँ पे बन रहा है अपना ये पश्चिम बिहार में बन रहा है, BG6 में बन रहा है, तो जगह मिलेगी तो रहूँगा। एक बाप जो उम्मीद करता है कि बच्चे बड़े होकर जो है उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, वहीं पर आपने यहाँ पर इनकी बात सुनकर अंदाज़ा लगा लिया होगा कैसे कलयुग के बच्चों ने कुछ पैसों के लिए जो है अपने बाप की इतनी बुरी हालत कर दी, पैसों के लिए अपने बाप को पीटा। अब ये जो है अभी इस उम्र में जो है दो वक्त की रोटी के लिए जो है वो तरस रहे हैं, दर दर घूमते हैं, आश्रम में जाकर जो है 2 वक्त की रोटी का जो है इंतज़ाम करते हैं, इनके बच्चे जो है ना इनके बारे में पूछते हैं, और साथ ही साथ जो है ये एक हार्ट पेशेंट भी हैं, ये अपना इलाज कराने भी खुद ही जाते हैं, दवाइयों का भी खुद ही देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इस उम्र में जो है किन तरीक़ों से इनको मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आज के लिए बस इतना ही, ऐसी और ख़बरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।